हाय एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट क्यूरफिट। तो यार, कोई भी स्किल मास्टर करने के लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस, नॉट ओनली प्रैक्टिस बट प्रैक्टिस विथ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अब चाहे वो आपके स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो और चाहे वो आपकी प्रोग्रामिंग हो। लेकिन प्रोग्रामिंग के केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक पॉइंट के बाद कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं और उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम यही बात करते हैं कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन प्रोग्रामिंग। मैं आपको काफ़ी इफेक्टिव से सॉल्यूशंस बताऊंगा जिससे आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो सबसे पहले हम इशू की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द इशू जिसकी वजह से आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। द फर्स्ट इशू इज़, लेट्स से यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व करते करते यू गेट स्टक। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप लोगों को लगता है कि जो भी पढ़ा था हमने वो सारा वेस्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम में अटकने की वजह से यू डू नॉट स्टे कंसिस्टेंट, यू डू नॉट प्रैक्टिस मोर, डीमोटिवेशन हो जाती है। सो द सॉल्यूशन टू दिस इज पीयर प्रोग्रामिंग। अच्छा, पीयर प्रोग्रामिंग क्या है जिन्होंने नहीं सुना? तो पीयर प्रोग्रामिंग में यू हैव अ ग्रुप ऑफ 3 to 4 पीपल, आपके साथ वाले ही लोग होंगे वो, आपके साथ साथ जिन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। सो यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अ सेम रिसोर्स, आप एक सेम रिसोर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं एंड यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दैट। तो इससे क्या होता है कि लेट अस से यू गेट स्टक, तो आपके जो दोस्त हैं वो आपको एटलीस्ट बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम आई थी एंड हाउ टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। या फिर अगर आपको कोई दोस्त अटकता है देन यू कैन हेल्प हिम आउट। सो दिस इज कॉल्ड पीयर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव पीयर्स, मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा लास्ट में, आई हैव समथिंग फॉर यू, सो प्लीज़ वेट फॉर दैट। तो अब मैं जो स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ एक्चुअली वेरी इफेक्टिव। लास्ट टाइम मैंने अपने चैनल पर एक 30 days का कोडिंग चैलेंज रखा था। इन दैट पीपल यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस ईच डे, और हर दिन के बाद मेरे कमेंट्स में आके मुझे बताते थे दैट आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन डे नंबर दिस एंड आई हैव सॉल्व दीज मैनी क्वेश्चंस इन दिस डे। तो उससे क्या होता था कि अगर आप लोगों का कोई डे स्किप भी होने वाला होता है ना, तभी आप लोगों को लगता है कि हाँ, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं या एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड वी हैव टू मेक दिस पोस्ट, हमें ये पोस्ट बनाना है। अब इस चैलेंज के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स आए, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आए दैट दिस चैलेंज इन फैक्ट हेल्प देम टू इम्प्रूव अ लॉट। सो अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैलेंज टुडे एंड इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिसाइड फ्यू लकी विनर्स एट द एंड ऑफ दिस चैलेंज। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यू कैन गो टू लिंक्डइन पे आप लोग जा सकते हैं एंड लिंक्डइन पे यू कैन मेक द पोस्ट। आप पोस्ट बना सकते हैं, लेट्स से आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया आज, यू कैन राइट द नेम ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड यू कैन यूज द हैशटैग DSA विद फराज एंड यू कैन मेंशन मी इन दैट। तो इससे क्या होगा, मुझे चैलेंज के एंड में विनर सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। आई विल बी एबल टू ट्रैक किसने ये चैलेंज कंप्लीट फॉलो किया है। सो यू कैन डू दिस एज वेल। नाउ देयर इज समथिंग एल्स दैट आई वांट टू शो यू दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन बीइंग कंसिस्टेंट। तो मैंने यहाँ पर बना दिया है एक डिस्कॉर्ड सर्वर, और इस डिस्कॉर्ड सर्वर में क्या क्या होने वाला है, इट इज मैंशनड हियर। द फर्स्ट थिंग इज लाइव DSA क्लासेज विच विल बी कंडक्टेड बाई मी, एंड इन दोज क्लासेज द फर्स्ट थिंग इज we will obviously learn about the data structures and algorithms. Apart from that, there will be interview questions and those questions will be solved in the class. After the class, I will give you few assignment problems, few questions which could be asked in online rounds. Okay, that will be for your online round practice. All right, so what if you get stuck in these problems? Uske liye yahan par ek dusra option hai, that is the discussion. So after the class, let's say after a day maybe, after the class, you can all have a discussion. तो जिसने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, he can actually explain you on the voice or maybe he can share his screen and explain you उसने वो क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व किए हैं, so that you will not get stuck. तो वहाँ पर आप लोग जाके डिस्कस कर सकते हैं। Also, मैंने पीयर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था आपको स्टार्टिंग में, so if you are not getting any partner, if you are not getting any peer, you can actually get peers from our Discord. डिस्कॉर्ड में आप लोगों के साथ काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे, सेम ट्रैक पे होंगे एंड दे कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट इफ़ यू गेट स्टक समवेयर। तो वो भी हमारे डिस्कॉर्ड में एक फैसिलिटी है वेयर यू कैन हैव योर पीयर ग्रुप्स एंड आप लोग अपने पीयर के साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो हैव द ऑनलाइन कोडिंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस, अगर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू कैन ऑल्सो शेयर योर ऑनलाइन कोडिंग क्वेश्चंस हियर ऑन द डिस्कॉर्ड। और आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने जो शेयर किए होंगे क्वेश्चंस ऑनलाइन राउंड्स के, वो भी आपको डिस्कॉर्ड में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस कंपनी वाइज क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अ फन सेक्शन जहाँ पर मे बी ऑन वीकेंड्स वी कैन हैव सम फन, वी कैन मे बी वॉच सम एनीमे, वी कैन प्ले अ गेम, वी कैन डू एनीथिंग फॉर दैट मैटर। ऑलराइट, सो दिस वॉज द फन पार्ट। तो ये है हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर, और अगर आप लोगों को ये डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन ज्वाइन दैट।
ठीक है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट कोडिंग एंड लेट अस प्रैक्टिस फॉर आवर नेक्स्ट इंटरव्यू. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.